हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्किल आईटी इलेक्ट्रीशियन चैनल। तो आइए हम आज जानते हैं आईटीआई के एग्ज़ाम में जो महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में। तो आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पहला, एक शुष्क सेल में कौन सी ऊर्जा होती है? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा रासायनिक ऊर्जा। प्रश्न संख्या दो, कि धारा को नापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो बहुत ही अच्छा सवाल है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा अमीटर। SWG का फुल फॉर्म क्या होता है? हमने बहुत बार इसके बारे में बता चुका है, अगर नहीं जानते हैं तो ये स्टैंडर्ड वायर गेज होता है। प्रश्न संख्या चार, विद्युत चार्ज की इकाई क्या है? तो विद्युत चार्ज की इकाई हमारा कूलाम होता है। प्रतिरोध को नापा जाता है, तो प्रतिरोध किससे नापा जाता है? तो ओम मीटर के द्वारा नापा जाता है। न्यूट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है? आपने जाना होगा कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के ऊपर चार्ज होता है, लेकिन न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है। कमेंट में आप हमें बताएं कि इलेक्ट्रॉन पर और प्रोटॉन पर कौन सा चार्ज होता है, कमेंट में बताना ज़रूर। प्रश्न संख्या सात, किसी भी तत्व को पदार्थ में से इलेक्ट्रॉन का प्रवाह क्या कहलाता है? अगर किसी भी तत्व पर अगर इलेक्ट्रॉन का बहाव होता है तो उसे हम विद्युत धारा से जानते हैं। प्रश्न संख्या आठ, किसी तत्व के एक परमाणु के नाभिक में विद्यमान प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या का युगफल क्या कहलाता है? तो बहुत ही अच्छा सवाल है कि किसी भी तत्व के एक परमाणु नाभिक में विद्यमान प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन की संख्याओं का योगफल क्या कहलाता है? तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन परमाणु भार। प्रश्न संख्या नौ, किसी भी चालक में विद्युत धारा का प्रवाह का मान शून्य होने पर विभवांतर का मान क्या होगा? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा शून्य। अगर किसी भी विद्युत धारा पर, यानी कि किसी भी सर्किट में अगर विद्युत धारा का मान अगर शून्य हो जाएगा, अगर उसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा, तो हमारा विभवांतर क्या होगा? उसका भी मान शून्य हो जाएगा। प्रश्न संख्या दस, बहुत ही अच्छा सवाल है कि अगर 100 वाट 230 वोल्ट लैंप को यदि 250 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ दिया जाए तो क्या होगा? सीधी सी बात है, अगर किसी भी उपकरण या लैंप की बात करें, उसे 230 के जगह पर अगर हम 250 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ते हैं तो 230 के मुकाबले 250 वोल्ट वाले की रोशनी अधिक होगी। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा कि 230 वोल्ट की सप्लाई की अपेक्षा अधिक प्रकाश देगा। तो आज के लिए बस इतना ही। हमारे इस तरह के क्वेश्चन को और भी बारीकी से जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगले बार फिर मिलते हैं नए सवाल को लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।